आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जो आपको एक बहुत अच्छी अमाउंट दे सकती है। मैं कहूँगा कि एक ना सिर्फ एक अच्छी अमाउंट दे सकती है बल्कि आपकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा सकती है। तो जानते हैं हम स्कॉलरशिप के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण जयसिंह, CEO एट इनसाइट्स ऑफ करियर, जहाँ हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में एकदम आसान भाषा में। तो स्कॉलरशिप का नाम है इंडिया बुल्स स्कॉलरशिप, जो कि हर साल कई सारे बच्चों को हेल्प करती है उनकी पढ़ाई कंप्लीट कराने में। स्पेशली ऐसे बच्चों को हेल्प करती है जो इकोनॉमिकली वीकर सेशन से आते हैं या अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। पढ़ने पे तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है। तो जानते हैं इसके बारे में किस तरीके से हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी से। एलिजिबिलिटी आपकी ये रहेगी कि आपकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो, दूसरा आपने 12th पास किया हो 2023 और 24 सेशन में, यानी कि आपका इसी साल का पासिंग ईयर होना चाहिए। इसके साथ आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, मतलब कि आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो अब हम जानते हैं कौन से कोर्स इसके लिए एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, ITI, मैनेजमेंट, लॉ और जो भी कोर्स हैं वो लगभग सारे कोर्स इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब कि देखा जाए तो ओवरऑल सभी कोर्सेज को ये स्कॉलरशिप कवर करती है। और जैसे कि मैंने बताया कि लगभग आपकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएगी, हॉस्टल और मैथ्स के खर्चे को छोड़ के। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि हमें स्कॉलरशिप के लिए कैसे फिल करना है या इस स्कॉलरशिप में हमें कैसे एनरोल होना है। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, ऑनलाइन वे में आपको एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप स्कॉलरशिप का लिंक क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से फिल करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट जो जो इसमें मांगे गए हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है, उसी वे में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ताकि आपकी स्कॉलरशिप आ सके। कई बार बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती कर देते हैं जिससे कि उनकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाती है और फिर वो बाद में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो ध्यान रखना है आपको कि किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट रह ना जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अच्छे से अपलोड करना है। अब हम जानते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स की इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले रहेगा आपका ID प्रूफ का, आपके पास कोई भी एक गवर्नमेंट ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का प्रूफ जो आपका जो कि आपका एज अ ID प्रूफ कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आपके पास आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर 12th की मार्कशीट आपकी नहीं आई है तो आपका सिर्फ पासिंग का कोई भी प्रूफ होना चाहिए कि मैंने 12th 2023 और 24 सेशन में पास किए। इसके अलावा आपके पास जो कि सबसे मेन प्रूफ होता है वो है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेशन का, यानी कि आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट का आपका होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका 50% काम नहीं बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है आपके पास इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर हो। अब हम जानते हैं कुछ एक ऐसे सवालों के बारे में जो हम सभी के मन में होते हैं स्कॉलरशिप लेने के बाद या स्कॉलरशिप बढ़ते समय, जिनमें कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या हमें स्कॉलरशिप का पैसा वापस देना होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कॉलरशिप आपकी हेल्प के लिए की जा रही है, यानी कि वो पैसा सारा का सारा आपका है। आपने स्कॉलरशिप ली है, ना कि कोई एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन जो होता है वो आपको रीपे करना होता है, लेकिन स्कॉलरशिप आप ही की होती है, आपको वो पैसा बिल्कुल वापस नहीं करना होता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बने रहिए मेरे साथ इनसाइट्स ऑफ करियर में। नमस्कार।